बेलन के आधार की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई 240 सेंटीमीटर। तो अब हम यहां पर क्या कर सकते हैं कि बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर वन स्क्वायर एच वन, यहां पर लिखते हैं पाई आर वन स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर 64 गुणा एच वन यानी कि 240 सेंटीमीटर क्यूब यानी घन सेंटीमीटर। यह हुआ बेलन का आयतन। अब हम ज्ञात करते हैं शंकु के आयतन को। शंकु की ऊंचाई हमें दी गई है 36 सेंटीमीटर। इस शंकु के आधार की त्रिज्या की अगर बात करें, ये है इसका आधार इस शंकु का, और जितनी त्रिज्या यहां होगी उतनी ही त्रिज्या इस आधार पे भी होगी। अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगी, इसलिए हम कह सकते हैं कि बेलन के आधार, ये शंकु के आधार की त्रिज्या, ये एच टू और ये आर टू 8 सेंटीमीटर होंगे। तो हम लिख सकते हैं कि शंकु का आयतन 1/3 पाई आर टू स्क्वायर एच टू यानी कि 1/3 गुणा वही आर का स्क्वायर 64 गुणा इस बार ऊंचाई जो है वो है 36 सेंटीमीटर। ये हो गया 36, इसको काट देते हैं ये 12 बार, तो ये हो गया 64 गुणा 12 सेंटीमीटर। ये यहाँ पर पाई हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है जो ये पाई भी है यहाँ पर। अब कुल आयतन जो होगा यानी कि इस खंभे का कुल आयतन हम देखते हैं, इस खंभे का जो कुल आयतन है वो पाई गुणा 64 प्लस 240 प्लस पाई गुणा 64 गुणा 12 यहां से पाई गुणा 64 आ रहा है कॉमन, बचता है 240 प्लस 12 यानी कि पाई गुणा 64 गुणा 240 प्लस 12 ये हो जाएगा 252। तो कुल आयतन जो होगा वो हो गया 252 पाई गुणा 64 गुणा 252 सेंटीमीटर क्यूब। अब चूंकि एक घन सेंटीमीटर के लिए वजन है 7.8 ग्राम, चूंकि एक घन सेंटीमीटर का वजन है 7.8 ग्राम, तो पाई गुणा 64 गुणा 252 घन सेंटीमीटर का वजन होगा पाई गुणा 64 गुणा 252 गुणा 7.8। तो हम इसको सॉल्व करते हैं कि पाई गुणा 64 गुणा 252 गुणा 7.8 ये कितना हमें मिल सकता है। यहां पर इसको लिखते हैं 22/7 गुणा 64 252 और 7.8, इसको हम सॉल्व करते हैं, ये हमें कुल मिलाकर मिल जाएगा 395,366.4 ग्राम। तो ये देखा हमने एक ठोसों का संयोजन, केवल दो, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है कि केवल दो ठोस शंकु और बेलन लिए, इन दोनों को एक जगह से जोड़ दिया गया है और इस प्रकार से हमें इनका आयतन ज्ञात करना है। तो पहले का आयतन ज्ञात कीजिए, दूसरे का अलग आयतन ज्ञात कीजिए, दोनों का कुल आयतन ज्ञात करके हम इस प्रश्न को आगे कर सकते हैं।